मैं डॉक्टर सुखराम सिंह राजन साहब प्रदेश अध्यक्ष देश शक्ति पार्टी के सौजन्य से मीडिया परिवार की तरफ से कुछ दो शब्द बोलने की सोच रहे हैं। सबसे पहले आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय महामंत्री कमतरिया जी, मेरे बड़े भाई प्रदेश महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संजीव कुमार जी, यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज प्रदेश में गुंडे और मछमुंडों की सरकार है, जोगी भोगियों की सरकार है। आज हम क्षेत्रीय दौड़ा के हिसाब से एक बात का संबोधन करने जा रहे हैं। पहले तो गुंडी बंडी की सरकार रही, बाद में गटुआ ढीके टटुओं की सरकार रही। एक नेता आया, इसने इसकी आँखों को देखो, इसके गालों को देखो, इसके बालों को देखो, ना इनके गालों में हिंदू का चेहरा है, ना बालों में मुसलमानों का वो है, ना आँखों में ईसाइयों का धर्म है। ऐसे लोगों से कह दीजिए कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए हमें। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश भयंकर बीमारियों चपेट की उसमें है। आज जंगल राज कायम है। मोदी जी योगी जी कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं, बुरे दिन जनता के आ गए। दूध मलाई ठंडुअन्ने खाई उत्तर प्रदेश सपरेटा, ऐसे बेईमानों ने सरकार चलाई, लूटे गरीब किसानों के बेटा। महंगी सब्जी महंगा तेल, भ्रष्ट प्रशासन खूनी खेल, गुंडा राज कमीशन खोरी, लूट मिट जी है सीना जोरी, बिजली पानी खाद गए राशन पांसद सेवा चोरी, मस्ती में जोगी सत्ताधारी चारों तरफ रिश्वत खोरी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, इसी कड़ी में आज तुम देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सबसे ज़्यादा पहले तो कहते थे कि सपा की सरकार ही खराब है, लेकिन सपा की नहीं, ये माँ खराब है। आगे आने वाले 1900 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म बन जाएगी कि भाषे भागो, जहाँ से जनता पीछे पीटेगी। आज हम अपनी देश शक्ति पार्टी के सौजन्य से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आगे के लिए बता देते हैं कि मोदू चौदू जोगी भोगी इन जोगी रोगियों की मोदू चौधरियों की सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भाषे भागो, जहाँ से जनता पीछे पीटे ही। भारतीय जनता पार्टी की तो फुल फॉर्म यही बन चुकी है। हमने योगी जी से 23 मई को कंप्लेंट वार्ता और उनके यहाँ से जनता दरबार में बैठ करके कई लोगों को बताया कि आपके सरकारी ये लाल गमछा वाले और गुंडा माफिया, डंडा माफिया, सड़क माफिया, खनन माफिया, पुलिस माफिया सभी घूम रहे हैं, लेकिन आज तक योगी जी ने कोई बोने की। आज मेरे भारत में दो कश्मीर के आतंकवादी आकर के जवानों को मारे, जवानों की मां के लिए क्या बेलना होगी। इस सरकार में कोई सरोकार नहीं है, सब सत्ता हथियाने के लिए झूठे वायदे किए जा रहे थे और हो रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक गडकरी, एक मड़करी, एक झूठा, एक वो, इन्होंने जनता को लंबे चौड़े भाषण दिए और उसमें क्या किया, देश में और उत्तर प्रदेश में बेहद झूठी सरकारें ने बड़े बड़े वायदा किए, अच्छे दिन लाने के लिए वायदा किए, लेकिन किया तो क्या हुआ कि जनता को दी कमर तोड़ महंगाई, आलू टमाटर की भरमाई, आलवाणी अम्बाले रतन टाटा को दूध मलाई, जनता को लात मार के दिया भगाई। मेरे भाइयों, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे ये भाषण को सुन रहे हों, सुखराम सिंह निषाद जी के भाषण को सुन रहे हों, सुखराम सिंह अपने बेटा के भाषण सुन रहे हों, तो केवल यही है कि आगे वीडियो पर सर्च करें और आने वाले दिनों में 19 में जोगी भोगी चौदू मोदू सबको सुपड़ा साफ कर दें। करते हुए सभी के पैरों में सिर झुकाते हुए नमस्कार नमस्कार। मैंने सभी मीडिया बंधुओं को और ये देखमाले अपने दर्शकों को भी सूचित किया है कि जो ये हमारे भाषणों को सुने तो मीडिया द्वारा प्रेषित करें और आगे के लिए बढ़ाने का काम करें, क्योंकि झूठों की और इनकी तो सफाई करनी है। हमें मालूम पड़ गया, पहले कहते थे कि सपा की सरकार ऐसी, मायावती की सरकार ऐसी, ये तो सब की। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सुखराम।